वेलकम टू काठमांडू दोस्तों। जो आप टावर टेक पे जो देख रहे हैं, एक्चुअल में कोई टावर नहीं है, ये पीछे आप जो देख रहे हो गेट, ये है भारत का जो बॉर्डर है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग इंटर हो गए हैं नेपाल के अंदर। पहले मास्क लगाता हूँ मैं, मास्क। तो दोस्तों बाइक टैक्सी लेके हम लोग जा रहे हैं अपने हॉस्टल की ओर। जो हमारे यहाँ जो अल्टो है 800 है, यहाँ उसको टैक्सी के रूप में मतलब यूज़ करते हैं। सभी मंदिर में जाए तो लगभग 1 से 2 दिन लगेगा। ये रत्ना पार्क का ही मेन मंदिर है, इसमें आते तो इसमें भी क्रॉस कर लेते हैं, कई लोग पैदल ऐसे भी क्रॉस कर लेते हैं, इसका कोई औचित्य नहीं है। उतना से घूमने के बाद में हम लोग जा रहे हैं, सॉरी सॉरी, मैं हॉस्टल के टॉप में बैठा हूँ चिल मारते हुए, और उन लोगों को, भाइयों को मैंने बाय बाय बोल दिए हैं और उन लोग चले भी गए हैं। काठमांडू सोने की नहीं बल्कि काठमांडू जगने की तैयारी कर रहा है, काठमांडू जगने की तैयारी कर रहा है अपने नाइट लाइफ के लिए। अदर क्लब में जो लूटने वाले क्लब है, आपको उसका सबसे बड़ा पहचान ये है, वो बोले भी होंगे तो मैं सुना नहीं और मैं ध्यान में नहीं दिया, तो लगभग 3-4 किलोमीटर मैं और आगे चला गया था। भाई 10 मिनट नहीं, भाई 10 मिनट नहीं, आधा घंटे लगे चलने में। ऐसा लग रहा है कि पूरा बादलों के बीच में आ गया, नीचे आपको कुछ नहीं दिख रहा होगा, देखो। ओह शिट यार, यहाँ से देखो। ये आ गए हमारे पास हॉट डॉग और ये है मोमो। प्लेटफॉर्म क्रमांक 4 पर खड़ी है ये गाड़ी, अपना निर्धारित समय रात 8:45। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। मैं हूँ अजदास और आप देख रहे हैं ट्रेवलिंग ब्लेजर। तो दोस्तों अभी हम लोग खड़े हैं दुर्ग रेलवे स्टेशन में, जो मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो दुर्ग रेलवे स्टेशन। आज है 3 अक्टूबर 2021 और आज हम लोग यात्रा कर रहे हैं एक ऐसे देश का जो भारत का पड़ोसी मुल्क है, और भारतीयों को वहाँ जाने के लिए ना वीज़ा की ज़रूरत होती है ना पासपोर्ट की। सही पहचान आपने, मैं बात कर रहा हूँ नेपाल की। तो आज हम लोग नेपाल जो है वो सीरीज़ चालू करने वाले हैं, नेपाल जा रहे हैं। तो इस सीरीज़ में आप बने रहे, साथ ही इस वीडियो में बने रहे, और पूरा ये जो नेपाल सीरीज़ है उसको आप ध्यान से देखें, कंटिन्यू देखें। जो भी मैं इन्फॉर्मेटिव है, कैसे सस्ते में जाना है, कैसे सस्ते में रहना है और कैसे सस्ते में घूमना है, ये सारा चीज़ मैं इस सीरीज़ के माध्यम से बताने वाला हूँ। दोस्तों अभी मैं वीडियो बना रहा था जस्ट, और ये पीछे में जो आप देख रहे हैं यहाँ पास में, जितने भी थोड़ा गरीब वर्ग के हैं या जो ऐसे फुटपाथ में रहते हैं, तो यहाँ उनको खाना खिलाया जा रहा है। तो यार बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये सबको ऐसा करना चाहिए। जितना आपको सहयोग कर सको आप, जितना आपसे हेल्प हो सके, जितना आपका मतलब एबिलिटी है करने का, उतना सहयोग करते रहें, क्योंकि किसी को जो भूखा है उसको आपको खाना खिलाना ये सबसे बड़ा पुण्य है। प्लीज़ आप भी मदद किया करो। ये पीछे में तो अभी चलते हैं हम लोग रेलवे स्टेशन के अंदर, और जो भी मैं अंदर का व्यू है वो भी आपको मैं दिखाता हूँ। रात के समय में भी चिड़िया ऊपर में उड़ रही है, देखिए। गिर गया था, बच गया। दोस्तों अभी बजे हैं रात के 9, मतलब 9:07 हो गया है, और हमारी ट्रेन है लगभग 11:30 बजे। तो इतना जल्दी यहाँ रेलवे स्टेशन आने का कारण मेरा ये है, एक मिनट
मैं दो मिनट बाद में आपसे बात करता हूँ, ये पूरा ख़त्म हो जाए उसके बाद। तो मैं कह रहा था कि मेरा यहाँ जल्दी आने का कारण ये है कि मेरे कस्बे से जो लास्ट बस आती है वो है 7:30 की, और उसके बाद में कोई दूसरा बस नहीं है, इस कारण से मुझे पहले आना पड़ा। और मेरे कस्बे से जो दूर है वो लगभग 35 किलोमीटर पड़ता है, मतलब एक आध घंटे में यहाँ पहुँच गया, जिस कारण से मैं यहाँ के बैठा हूँ और वेट कर रहा हूँ 11:30 बजने का। और जैसे 11:30 बजे और मेरा ट्रेन है, उसके बाद में फिर हम लोग बैठ के फिर चले। दोस्तों, नेपाल जो है यहाँ से लगभग 1500 किलोमीटर की दूरी पर है। उस 1500 किलोमीटर की जर्नी के लिए हम लोग दो ट्रेनें बदलेंगे और जो है उसके बाद में फिर बस लेंगे। मतलब यहाँ से दुर्ग से जो पहला हम लोग का ट्रेन लेंगे वो है वाराणसी तक का, और फिर वाराणसी से फिर गोरखपुर लेंगे, फिर वहाँ गोरखपुर से जो बस लेंगे जो है हम लोग को सिनोली बॉर्डर जो है नेपाल और भारत का जो बॉर्डर है सिनोली वहाँ लेके जाएगी, फिर वहाँ से हम लोग बॉर्डर क्रॉस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल यही अपडेट है, अभी हम लोग आते अभी देखते हैं जैसे हमारी जो ट्रेन है वो आती है उसके बाद हम लोग उसमें सवार होते हैं फिर चलते हैं इस ट्रिप के लिए। एयरपोर्ट टाइप का साफ़ सफाई यहाँ हो रहा है तो देख के अच्छा लगा। पहले तो जहाँ कूड़ा था वहाँ फैला रहता था, पूरा पटरी ख़राब रहता था, तो अभी आप पूरा जो है साफ आप देख रहे हो। मतलब एयरपोर्ट की तर्ज पे उतना नहीं बोल सकता, लेकिन एयरपोर्ट की थोड़ा सी तर्ज पे पूरा साफ़ सफाई का ध्यान रखा जा रहा है और सिक्योरिटी भी बहुत टाइट है। और मैं देख रहा हूँ जगह जगह पुलिस जो है वो घूम रही है, सिक्योरिटी जो रहता है चेक करने का उसके साथ में। तो यार बहुत ही अच्छा अपडेट है, तो ऐसा होना भी चाहिए जो अच्छा लगता है देख के। मतलब ओवरऑल जो दुर्ग रेलवे स्टेशन है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खूबसूरत है। दोस्तों, यह जो नेपाल सीरीज है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, उसके लिए जो बजट ट्रेवल करना चाहते हैं जिसके बाद में जो उतना ज़्यादा पैसा लगा नहीं सकते हैं घूमने के लिए, तो यह ट्रेवल जो है उसी के लिए है, मेन फोकस उसी के लिए है। तो कोशिश करूँगा कितना जितना से कम में मैं जितना अच्छा घूम सकता हूँ मैं कोशिश करूँगा करने का। तो बिल्कुल आप इस सीरीज़ को देखना ना भूलें और इसको मिस ना करें। जो प्लीज़ चैनल में नए वो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर ले ताकि जो भी मैं जो वीडियो अभी डालते रहूँगा मैं वो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाए आपको। तो बने रहें इस वीडियो के साथ में और इस नेपाल सीरीज़ के साथ में भी और हमारे चैनल के साथ में भी। तो अभी चलते हैं हम लोग प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे और हमारी ट्रेन जो है अभी आने वाली है। तो दोस्तों फाइनली पहुंच गई हमारी गाड़ी, इसे हम लोग अभी जाएंगे जो सबसे पहले बिलासपुर से होते हुए पेंड्रा रोड कटनी होते हुए प्रयागराज, उसके बाद में वाराणसी जाएगी। तो अभी हम लोग चलते हैं। तो फाइनली हम लोग चढ़ गए हैं फिर ट्रेन के अंदर, और जैसे कि आप देख रहे हो जो ट्रेन है वो चल पड़ी है। और जैसे जैसे मैं सामने में अभी आते जाता है मैं आपको सब चीज़ दिखाते जाऊंगा। अभी तो चूँकि रात है तो उतना ज़्यादा व्यू नहीं दिखेगा बाहर का, तो जैसे जो भी समय में दिखता है तो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों अभी हम लोग को दुर्ग से निकले लगभग 1.5 घंटा हो गया है और अभी बजे है रात के 1, सोने का टाइम हो गया है। मैं आपको मिलता हूँ सुबह, गुड मॉर्निंग सुप्रभात। दोस्तों आप सभी का स्वागत है वापस एक नए दिन में। और रात को जब मैं सोया तो बहुत अच्छा नींद आया, अभी सुबह सुबह ताज़ा उठा हूँ तो बहुत फ्रेश लग रहा है। अभी हम लोग हैं जो है शायद यूपी में पहुँच गए हैं, ये जो जंक्शन में रुके हैं उसका नाम है उमरिया, और अभी हैं बजे है सुबह के 7। तो आगे चलते हैं और अब मैं सीधा मिलता हूँ आपको प्रयागराज या फिर वाराणसी में। फिलहाल और कुछ दिखाने का तो इस रास्ते में नहीं था क्योंकि रात हो गया था, तो रात में दिखते कहाँ हैं। अब इधर जो आते जाएगा मैं आपको दिखाते जाऊँगा। सायरन बज गया ट्रेन का भी, तो अभी चलते हैं ट्रेन के अंदर, नहीं तो हम लोग को छोड़ के निकल जाएगा ये।
गंगा जमुना सरस्वती का संगम स्थल एवं कुंभ नगरी प्रयागराज इलाहाबाद में आप सभी का स्वागत करता हूँ। अभी बजे हैं दोपहर के 3:30 और अभी हम लोग प्रयागराज में हैं, जो रेलवे प्लेटफॉर्म है वहाँ, और गाड़ी चल पड़ी है तो मेरे को जाना पड़ेगा जल्दी। और अभी इस ट्रेन के माध्यम से हम लोग की जर्नी है वाराणसी की, जो लगभग हम लोग 7:30 बजे इस ट्रेन का अराइवल टाइम है वाराणसी में। तो मैं आपको वहाँ जाके फिर बात करता हूँ वाराणसी पहुँच के। बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी बनारस वाराणसी में आप सभी का स्वागत है। ठीक मेरे पीछे आप जो ट्रेन देख रहे हैं उस ट्रेन से भी मैं आया हूँ, और वो ट्रेन है बहुत ही राइट टाइम में, राइट टाइम से पहले चल रही है। तो आधा घंटा जो अराइवल टाइम है यहाँ का, उसे आधा घंटा पहले हम लोग को पहुँचा दी है। दोस्तों जिस ट्रेन से मैं अभी आया हूँ वो गोंदिया से बलौदी मतलब बिहार जाएगी। जो वाराणसी रेलवे स्टेशन है उसका जो सामने का व्यू है बहुत ही सुंदर है, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ अभी जाके। और हम लोग का अभी ट्रेन है, मेरा जो सेकंड फर्स्ट स्टॉप यहाँ हो गया है। अब सेकंड जो है वो गोरखपुर के लिए है, जो रात को 12:15 बजे है। तो यहीं से हम लोग अभी रात की ट्रेन लेंगे 12:15 की, और कल सुबह जो है वो गोरखपुर पहुँचाएगी लगभग 6 बजे के तकरीबन। तो अभी मैं आपको सामने ले जाता हूँ रेलवे स्टेशन का, और आपको वो भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों जिस ट्रेन से हम लोग आए थे वो चली गई है, अब हम लोग चलते हैं फ्रंट में रेलवे स्टेशन के, और जो व्यू है मैं आपको दिखाता हूँ जो अच्छा रहे। बच गया। दोस्तों ठीक मेरे पीछे आप जो देख रहे हैं वो है वाराणसी का रेलवे स्टेशन, जो फ्रंट से देखो बहुत खूबसूरत लग रहा है। वाराणसी का रेलवे स्टेशन भारत के सबसे बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में से एक है। इस रेलवे स्टेशन में भारत के लगभग सभी राज्यों से जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी यहां से होती है। जो पीछे आपको जो टावर टाइप का दिख रहा होगा जिसमें लाइट वाइट पूरा लगा है, वो एक्चुअल में टावर नहीं है, वो पानी टंकी है, जो ऊपर है पानी टंकी बना हुआ है। तो उसी पानी टंकी के ऊपर में लाइट और पेंट पेंट करके उसको ऐसा बना दिया है, अच्छा लग रहा है। दो फायदा हो गया, एक तो टावर का मज़ा भी हो गया, दूसरा पानी टंकी भी है। ये तो थोड़ा सा दिमाग लगाए तो ये सब चीज़ हो जाता है अगर अच्छा करना चाहो तो। दोस्तों वाराणसी से मुझे गोरखपुर के लिए अभी ट्रेन लेना है। मेरी ट्रेन जो है लगभग 12:15 बजे रात को है, और सुबह मुझे 6:30 बजे या 6 बजे जैसे भी पहुंचाएगी। तो अभी चलते हैं अंदर, और चूँकि मेरा बैटरी भी जो है कैमरे का बैटरी भी हो वो चार्ज करना है, और मोबाइल का भी बैटरी चार्ज करना है, तो अभी अंदर चलता हूँ। दोस्तों अभी बज गए हैं लगभग रात के 12:15, और ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो वो है चौरा चौरी एक्सप्रेस। इसी रेल से हम लोग जाएंगे गोरखपुर, और कुछ ही समय पश्चात ये ट्रेन निकल जाएगी। तो अभी मैं डायरेक्ट आपको गोरखपुर में मिलता हूँ। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों, अभी हम लोग पहुँच गए हैं गोरखपुर। अभी बजे हैं सुबह के 6, और भारत की सबसे लंबी रेलवे स्टेशन में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग जाएंगे जो गोरखपुर का बस स्टैंड है वहाँ, और वहाँ से हम लोग सोनौली के लिए जो नेपाल बॉर्डर है उसके लिए यहाँ बस लेंगे। तो दोस्तों जो नेपाल बॉर्डर क्रॉस करेंगे उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे।
तो क्योंकि क्या है, अगर लाइन सब थोड़ा बहुत पूरा दिखा दोगे तो फिर ये वीडियो लंबा हो जाता है, तो मज़ा नहीं आता उतना देखने में। तो इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, और आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आपको उसका नोटिफिकेशन उसका मिलते जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी हम लोग गोरखपुर रेलवे स्टेशन से बाहर निकल गए हैं। यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर बॉर्डर बचा है जो नेपाल बॉर्डर है वो, और जो ट्रकों की जो मालगाड़ी है उसका आप भीड़ देखो कैसा है। दोस्तों ये मेरे पीछे आप जो देख रहे हो गेट, ये है भारत का जो बॉर्डर है, जस्ट उसके बाद से जो है वो नेपाल चल रही है। तो मतलब तो दोस्तों फाइनली हम लोग इंटर हो गए हैं नेपाल के अंदर।